अपडेटेड रेसिपी देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फुडाजी किचन। आज मैं बना रही हूँ टिंडे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैं डाल रही हूँ एक स्मॉल साइज का प्याज और 3 से 4 जवे लहसुन के। आपने प्याज और इसमें जो लहसुन है वो ज़्यादा नहीं डालना। और साथ में मैं डाल रही हूँ तकरीबन गिलास का तकरीबन 1/3 हिस्सा पानी का, ताकि हमारा प्याज और लहसुन जो है वो सॉफ्ट हो। इसमें प्याज और लहसुन की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म करनी होती है, इसलिए इसमें पानी डाल देते हैं ताकि इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और प्याज और लहसुन जो है वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। तो इसका मसाला, टिंडे का मसाला जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा बनाते हैं, इतना ज़्यादा इसमें मसाला नहीं अच्छा लगता, तभी ये टिंडे जो हैं वो मज़े के लगते हैं खाने में। मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसको नरम कर लेंगे ताकि पानी भी ख़त्म हो जाए और हमारा प्याज और लहसुन भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए पानी जो है वो खुश्क हो गया है, प्याज और लहसुन भी हमारा सॉफ्ट हो गया। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 पकाने वाला चम्मच ऑयल। अब हम लहसुन और प्याज को तकरीबन 2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। 2 मिनट बाद मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक का पेस्ट। 1 मिनट फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। टिंडे जो हैं उनमें सॉल्ट ज़्यादा नहीं डाला जाता क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं और थोड़े से रह जाते हैं जब पकाने के बाद, इसलिए इसमें सॉल्ट जो है वो कम नहीं डाला जाता। साथ ही मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 चुटकी हल्दी। हल्दी और ये रेड चिली पाउडर बहुत तेज़ है इसलिए मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमने लास्ट पे ब्लैक मिर्च जो है वो भी इस्तेमाल करनी है। इसमें काली मिर्च जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, लास्ट पे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी। आप देख सकते हैं कि ये हल्दी का कलर जो है ये कितना तेज है, इसलिए मैं हल्दी जो है मैं कम डालती हूँ। मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के जितना जीरा। मसाले को हम 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह भून लेंगे। डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून पानी, मसाला जो है वो यकजान हो जाए। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, और टिंडे, टिंडे मैंने 1/2 केजी लिए हैं। इसको भून लेंगे। हमने टिंडे को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इनको भूनना है अच्छी तरह से, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएं। आंच आपने मीडियम रखनी है। आंच से 7 मिनट हो गए हैं, हमारे टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इनमें 1/2 गिलास पानी, ताकि हमारे जो टिंडे हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च। मिक्स करेंगे तो इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि हमारे टिंडे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए टिंडे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और पानी भी इनका खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया, मिक्स करेंगे। अब मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और डिश ऑफ कर रही हूँ। तैयार है मज़ेदार टिंडे का सालन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फुडाजी किचन को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।